तो चैप्टर नंबर 21 में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आया था वो आया था आइसोटोप्स के बारे में हमने पढ़ना है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था न्यूक्लियर मैस के बारे में हमने बात की थी और प्रोटॉन और न्यूक्लियस के हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स क्या थे उन सब के बारे में बात की थी। तो थोड़ा सा हमने उसमें पढ़ा था नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो आज हमारे पास आ जाते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हमारे पास क्या है? आइसोटोप्स डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं जिनका हमारे पास क्या होता है, मैस नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स के लिए। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या आएगी? न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास आएगा ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो। उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या होते हैं वो सेम होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। तो हमारे पास आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि दोज न्यूक्लियाई Having same Z but different A, यहाँ आप इसको एक जगह भी लिख सकते हैं। A चेंज कैसे हो रहा है? क्योंकि N चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है का वो है Z plus N। Z सेम रहेगा तो A कब चेंज होगा? जब N चेंज होगा। तो हमारे पास आइसोटोप्स हमारे पास बेटा डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, उनकी तादाद भी डिफरेंट होती है। उनमें से कुछ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स होते हैं और कुछ जो उनसे हैं वो आर्टिफिशियल भी होते हैं, वो हम खुद भी प्रोड्यूस करवा देते हैं कई न्यूक्लियाई के आइसोटोप्स। अब हम सिर्फ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स की ही बात करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल में सबसे बेसिक एलिमेंट आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बेटा जी तीन आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? तीन आइसोटोप्स हैं। और कल हमने आपको सिंपल लिखने का तरीका बताया था 1-1, ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होता इसमें। उसके बाद आता है 2-1-1 और उसके बाद आता है H3-1-2। तो आप लोग देख रहे हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम इनके नाम है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम और इसको बोलते हैं ट्रिटियम। इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या है? प्रोटियम का हमारे पास जो ए है वो 1 है, ड्यूट्रियम का ए 2 है और ट्रिटियम का हमारे पास ए क्या है? 3। और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है। प्रोटियम में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, ड्यूट्रियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है और ट्रिटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है। लेकिन तीनों में आप लोग देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रह रहे हैं। नीचे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं, ये हमारे पास सेम, ये चेंज नहीं हो रहे। तो इस तरह के न्यूक्लियाई जो हमारे पास है ये जो सेट है हम बोलेंगे ये एक दूसरे के क्या है? आइसोटोप्स हैं। यानी प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम हमारे पास क्या है? ये एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास जेड सेम है लेकिन ए डिफरेंट है या एन डिफरेंट है, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हीलियम की एग्जाम्पल देख लेते हैं। हीलियम के बेटा नेचुरली अकरिंग दो आइसोटोप्स हैं, 4-2 और H3-2, इधर 2 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हीलियम के दो आइसोटोप्स हैं। इधर भी आप लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रह रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या हो रहे हैं? वो डिफरेंट है, वो चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है आइसोटोप्स हम बोलते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स थे और ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, ठीक है बेटा जी। तो इनको हम क्या बोलते हैं? दूसरे के आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स हैं बेटा, इनमें कॉमन क्या चीजें होती हैं और डिफरेंट क्या होता है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आपने ध्यान से समझना है। मेरा ख्याल लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 20 में भी हमने क्लियर किया था कि आइसोटोप्स में हमारे पास क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आइसोटोप्स की? डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। यानी जो केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटियम की है वही ड्यूट्रियम की होगी और वही ट्रिटियम की होगी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी किसी भी किस्म का चेंज नहीं होगा, लेकिन जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी और वो डिफरेंट हो जाएंगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं ये आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 9th में आप लोगों ने पढ़ी हुई है सारी की सारी चीजें। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मेरा कंसर्न है वो मैं बता देता हूँ। मैस हो जाता है, कलर हो जाता है, शेप हो जाती है, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। उसकी डेंसिटी, यानी वो सारी चीजें जो आपको हमको फिजिक्स में पढ़ाते रहते हैं, इस तरह आप आसानी से याद भी कर लेंगे, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, यानी कलर चेंज हो सकता है इनका, शेप चेंज हो सकती है, नेचर चेंज हो सकती है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन में इनका सेम ही रहना है, ठीक है बेटा जी। तो ये आपने जहन में बिठा लेना है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चेंज होती है। अगर हमने क्या करना है, इन आइसोटोप्स को सेपरेट करना है। हमारे पास हाइड्रोजन मिली है, हमें हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। अगर मुझे किसी जगह से माइनिंग से मुझे हाइड्रोजन ऑब्टेन हुई है,
अब हाइड्रोजन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोग कुछ और भी हम डायमंड या सोना वगैरह भी ले लेते हैं। तो माइनिंग से मुझे वो चीज ऑब्टेन हो गया, तो अब मैंने उसे प्योरीफाई करना है या मैंने उसका एक सर्टेन आइसोटोप यूजफुल होता है, सारे आइसोटोप तो यूजफुल नहीं होते, तो अब मैंने उन्हें सेपरेट करना है। वो मुझे तो हाइड्रोजन मिल गया, वो सारे के सारे हाइड्रोजन है, उसमें सारे के सारे आइसोटोप्स होंगे, तो अब मैंने उन्हें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो पहली बात तो ये, इनको केमिकली तो सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्यों, सारे के सारे सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, केमिकली तो हम उन्हें सेपरेट कर ही नहीं सकते। सेपरेट कैसे होंगे, ये फिजिकली सेपरेट होंगे, क्यों, क्योंकि ये सारे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे होंगे। अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करेंगे तो सर्टेन आइसोटोप, सर्टेन यानी जो एलिमेंट आइसोटोप्स के, वो अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो फिर हमारे पास इनको सेपरेट करने का जो मोस्ट यूजफुल वे है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, हमारे पास एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। अभी हमने बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सारी चीजें जो आप फिजिक्स में पढ़ाते रहते हैं हम आपको, मास हो गया, साइज हो गया, रेडियस हो गया, या हमारे पास उनकी कलर हो गया, ठीक है, तो ये सारी डेंसिटी होगी, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इनकी बुनियाद के ऊपर हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो कल हम जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए घरों में रहें, सेफ रहें।